बीआर के सीजन 41 के अंदर मैंने बहुत इजीली अपनी आईडी के अंदर सोलो रैंक पुशिंग करके ग्रैंड मास्टर तो लगा लिया था, बट फिर मैं बैठे बैठे एक चीज सोचता हूँ कि क्या मैं सोलो के अंदर रैंक पुशिंग करके जो है अपने किसी वेपन के अंदर भी टॉप 1 इंडिया मार पाऊंगा। यही चीज को जानने के लिए मैं जो है एक वेपन चूज करता हूं, और वेपन के अंदर जो है सबसे तगड़ी गन जो है हमारी AWM को चूज करता हूं। AWM टॉप 1 सीरीज के ऑलरेडी मैं अपने चैनल पे जो है 2 एपिसोड डाल चुका हूं, जिसके बाद जो है मेरा रैंक स्कोर हो चुका है 17,047 एंड उसी के साथ मैं सोलो विंस के अंदर भी जो है इंडिया के अंदर 7वें नंबर के अंदर चल रहा हूं 297 बोया करने के बाद, एंड मैं अपने एलिमिनेशंस के अंदर इंडिया के मामले में जो है 12 नंबर पर हूं। एंड गाइस हमारी मेन थिंग AWM के अंदर अपनी साउथ ईस्ट दिल्ली यानी कि डिस्ट्रिक्ट के अंदर नंबर 1 के अंदर चल रहे हैं, एंड गाइस उसके साथ साथ मैं अपनी स्टेट दिल्ली के अंदर भी मैं नंबर 1 के अंदर फाइनली आ चुका हूं। अब दिन रात रैंक पुशिंग और वेपन पुशिंग करने के बाद जो है मैं इंडिया के अंदर भी 12 नंबर के अंदर आ चुका हूं अपनी AWM के अंदर, जो कि अपने आप में ही बहुत बड़ी बात होती है। सो आज जो है हमें जर्नी के अंदर अपने इंडिया के अंदर टॉप 10 लगाने वाले, आप लोग भी जर्नी का हिस्सा बन सकते हो चैनल को सब्सक्राइब करके। अब आप लोगों को ज्यादा समय ना लेते हुए डायरेक्टली जो इंट्रो के बाद वीडियो को स्टार्ट करते हैं। AWM टॉप 1 पुशिंग एपिसोड नंबर 3 के फर्स्ट गेम प्ले के अंदर आप सभी लोगों का स्वागत है। सो यहाँ पे मैं कोटा तुआ के अंदर लैंड करता हूँ एंड यहाँ पे एक एनिमी भी उतरा है मेरे साथ में, और इस एनिमी को मैंने बहुत ही इजीली फिनिश कर दिया। एंड कोटा तुआ आने का सिर्फ एक ही रीजन था, यहाँ से जो मुझे जो है ना गाड़ी से इसको तोड़ना था आर्सेनल को, बट वो हो नहीं पाया क्योंकि वहाँ पे गाड़ी नहीं थी। एंड यहाँ पे आर्सेनल के अंदर क्या पता यार AWM देखने को मिल जाए शायद से। हाँ AWM मिल गई मेरे को फाइनली, आते के साथ यहाँ पे AWM मिल चुकी है। लेट्स सी हमारा लक आगे भी काम आता है या नहीं आता। एक एनिमी भी यहाँ पे दिख जाता है, 165 का शॉट दिया एंड दूसरा शॉट देते के साथ ही 2 किल के साथ यहाँ पे आराम से मैं आगे आ जाता हूँ। एंड इस साइड में भी एक एनिमी है, इसको भी एक शॉट कनेक्ट करके इजीली सोनिया बना दिया और ये डाउन भी हो चुका है। पीछे से पता नहीं कौन डैमेज दे रहा है यार, पहले इसको फिनिश किया और पीछे वाला बंदा अच्छा खासा प्लेयर है। और यहाँ पे ना मैंने जाइन बन चुका हूँ, मतलब जाइन की एबिलिटी यूज कर ली है। 165 का शॉट कनेक्ट किया, फटाफट से रश मारेंगे इसके ऊपर। एंड एट दी एंड MP40 से बॉबी को मारने के बाद मेरे 4 किल कंप्लीट हो जाते हैं। नीचे से एक एनिमी आ रहा होता है, इसको मैंने हेडशॉट चिपका दिया, एक गलती से बड़ा था वैसे, मतलब एम ही मारा और वो हेड ही पड़ जाता है। सोस वाले एरिया से निकल के मैं यहाँ पे आ चुका हूँ एंड एक एनिमी को मैंने बहुत ज्यादा डैमेज दिया है और FGL से भी और डैमेज दे दिया एंड इजिली यहाँ पे जो है प्राइम रोलेक्स को इजिली फिनिश कर दिया था। अब वहां से गाइस मैं निकल के जो है ना अपनी गाड़ी की हेल्प से इस वाले घर के अंदर आता हूँ मल्टी विंडो के अंदर, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा फाइट चल रही होती है। सो इसी चीज का प्रॉफिट उठाते हुए मैं ऊपर चाहता हूँ एंड इस एनिमी को मैंने काफी डैमेज दे रखा है। बट यार इस बंदे के पास मैक्स 7 है और काफी मूवमेंट भी कर रहा है ये। फिनिश हो गया बंदा, सोनिया बन गया। और इसको मारने के बाद आखिरी बंदा भी मेरे ऊपर ही रश मार देती, ये दीदी भी मेरे ऊपर आ चुकी है। यहाँ पे मेरे 7 के लोग हैं इस गेम के अंदर और इस दीदी को मारने के बाद गोया निकल जाएगा मेरा गेम, अगर मैं इस दीदी को मार पाऊंगा तो। एंड यहाँ पे सोनिया, वैसे ही सोनिया है। तो लास्ट ओम का शॉट कनेक्ट करके मैंने फिनिश किया। एक बारी को तो मुझे लग रहा था मैं मर जाऊंगा, बट एट दी एंड वाला गेम पे मेरा बोया निकल जाता है, जिसके अंदर यहाँ पे आप लोग मेरा प्लस देख सकते हैं और 49 का प्लस लगता है क्योंकि दिन का पहला गेम था ये। और AWM के अंदर भी फुल का प्लस होता है अपना 80 का। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बहुत ही कमाल की वेबसाइट के बारे में बताना चाहूंगा, इस वेबसाइट का लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जाने के बाद जो आपको अपना फेक इंस्टाग्राम की आईडी को यहाँ पे लॉग इन कर लेना है, फेक इंस्टाग्राम की आईडी को ही लॉग इन करना। उसके बाद जैसे आपको नीचे की साइड में जाना है, आपको सेंड फॉलोअर्स का ऑप्शन मिलेगा, सेंड फॉलोअर्स जाने के बाद अपना ओरिजिनल अकाउंट डालना, जैसे कि मैंने ओशान गेमिंग डाला है। उसके बाद अपने अमाउंट टाइप करना जितने आपको फॉलोअर्स चाहिए, एंड फॉलोअर्स डालने के बाद आपके इंस्टेंटली फॉलोअर्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। बहुत ही कमाल की वेबसाइट है और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड यहाँ पे आपको मैं लाइव प्रूफ दिखा देता हूँ मेरे फॉलोअर्स आने कैसे स्टार्ट हो चुके हैं। यहाँ पे आप लोग लाइव प्रूफ देख सकते हो कि मेरे इंस्टेंटली यहाँ पे 25 फॉलोअर आ चुका है, मतलब 25 फॉलोअर इंस्टेंटली मेरे यहाँ पे आ जाते हैं। फटाफट से जाओ अपने फॉलोअर्स गेन करने स्टार्ट कर। अगली गेम के अंदर भी जो मैं आर्सेनल के ऊपर ही लैंड किया होता हूँ एंड आर्सेनल को खोल के मेरे को अपने यहाँ पे AWM और M10 मिल जाता है। सामने की साइड में एनिमी है, इस एनिमी का मैं हेड लेने का ट्राई करता हूँ और हेड लग भी जाता है। एक बंदा और है इस वाले एरिया के अंदर जो कि जस्ट मेरे सामने की साइड में होता है। स्वागत तो करो हमारा नहीं। एंड एक शॉट कनेक्ट करते ही इस एनिमी को मैंने इजीली फिनिश कर दिया। यहाँ पे 2 किल मेरे कंप्लीट हो जाते हैं। अब गाइस वहां से मैं निकल के ना काफी सारे किल कर देता हूँ, मेरे 5 किल होते हैं ऑलमोस्ट। एंड एक बंदा मैंने यहाँ पे और मारा, इस वाले एनिमी का मैं हेड लेने का ट्राई कर रहा होता हूँ बट इसको हेड नहीं पड़ता, बॉडी शॉट कनेक्ट हो जाता है और पीछे से मुझे कोई और भी डैमेज दे रहा है। सो इसी चीज की वजह से जो है मैं वहां से निकल के ना इस वाले एरिया के अंदर आ जाता हूँ। और यहाँ पे देखो आप लोग, मैं एक बंदे का स्किल ब्लॉक करता हूँ और ये कोई और नहीं, हमारा प्यारा सब्सक्राइबर निकलता है। एंड सीरियसली यहाँ पे जो है ये भाई मुझे पहचान जाता है, यही बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। जस्ट जैसे ही भाई अपना पहचान जाता है मैं फटाफट से ऊपर आता हूँ एंड जस्ट झंडे से इसका नाम पढ़ने का ट्राई कर रहा होता हूँ। सो यहाँ पे हमारे भाई हैं सरकार जी, एंड फाइनली भाई ने पहचान लिया। अब काफ़ी टाइम के बाद किसी जो है हमारे प्यारे सब्सक्राइबर ने हमें पहचाना है, वो देख के मुझे बहुत खुशी मिलती है। यहाँ पे एक एनिमी को मैंने एक शॉट कनेक्ट करके इजिली डाउन कर दिया, फटाफट से मैं इसको फिनिश कर देता हूँ। एंड यहाँ पे मेरे 7 राइट से भी पड़ रही है यार, पहले राइट वाले को देख लूँ।
और यहाँ पे जो हमारे टीममेट ने बोल लो अब तो खैर, तो उसने भी डैमेज दे रखा था बट हमने उसका किल चोरी कर लिया, आखिरी एनिमी बचा है। सो यहाँ पे मैंने एक शॉट तो कनेक्ट किया, दूसरा शॉट भी यहाँ पे कनेक्ट होता है लेकिन ये बंदा मरता नहीं। आखिरी शॉट कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे मेरे फाइनली आप लोग देखते तो 9 किल हो जाते हैं। अब यहाँ पे हमारे ना सिर्फ सब्सक्राइबर और मैं बचता हूँ। सो पहले मैं सोचता हूँ कि यार मैं इन्हें जो है बोया दे दूँ, बट फिर मैं सोचता हूँ कि यार बोया निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एंड यहाँ पे खुद ही अपना जो है बोया दे देते हैं नेड वगैरह से मरने के बाद। सो हम गेम में बाहर चल के भी देखने वाले हैं कि इन्होंने रिक्वेस्ट भेजा है या फिर नहीं। यहाँ पे मेरे 9 किल के साथ ये वाला गेम प्ले भी बोया निकल जाता है अगला गेम। यहाँ पे मेरे 27 का प्लस देखने को मिलता है और M10 और AWM में फुल का प्लस लगता है, 2 का स्ट्रीक भी लग गया। अब यार मैं यहाँ पे बाहर आ चुका हूँ एंड आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे उन्होंने हमें रिक्वेस्ट भी भेज रखा है 81 लेवल सरकार जी। अब इनके ग्रुप में चल के देखते हैं कि ये क्या कहने वाले हमसे। भाई मैं आपका सब्सक्राइबर हूँ, मैं आपका हर वीडियो देखता हूँ, थैंक यू। अब हमारे सरकार जी तो हमें कह रहे हैं कि हमारी सारी वीडियोस देखते हैं, क्या आप लोग भी मेरी सारी वीडियोस देखते हो? कमेंट में प्लीज जरूर से बता देना, इनसे बात करके बहुत अच्छा लगा। यार एक तो AWM मिलता नहीं है एंड जब AWM मिलता है तो आप लोग देखोगे क्या सिचुएशन हो जाता है। यहाँ पे एक एनिमी होता है एंड इस बंदे के पास 3 लेवल का M10 था, इसने पूरा स्प्रे दे करके मुझे इजीली फिनिश कर दिया और मेरी ओम लेना ना लेना कोई प्रॉफिट में नहीं रहा और मैं यहाँ पे फिनिश ही हो जाता हूँ। तो मैं क्या ही बोलूँ, यहाँ पे M10 में सिर्फ 30 का प्लस होता है और गेम में 7 का। अब नेक्स्ट गेम के अंदर जो है मैं आर्सेनल के अंदर ही लैंड करता हूँ एंड मुझे यहाँ पे जो ना डबल ओम देखने को मिल जाता है, जिसको देखे मैं थोड़ी देर के लिए खुश तो बहुत ज़्यादा होता हूँ बट यहाँ पे एक एनिमी आ जाता है मेरी खुशी का तबाही मचाने के लिए एंड जस्ट इस एनिमी को मैंने इजिली फिनिश तो कर दिया। पीछे और भी एनिमीज है, फटाफट से सुपर मेडिकेट वगैरह मार के मैं जो है इस वाले एरिया के अंदर आ जाता हूँ एंड यहाँ पे एक और बंदा है। ऑल राइट एक शॉट कनेक्ट हो जा बस इसे, यार हो ही नहीं रहा देखो आप लोग कहीं एम, अरे ये तो बेचारा मरी गया। पीछे एक और बंदा, इसको शॉट कनेक्ट हो गया और ये बंदा भी जो है ना मेरे ऊपर आप लोग देखो मेडिकेट वगैरह मार के रश नहीं मारता, सीधा रश मार देता है, इस वजह से ये बेचारा मर जाता है। यहाँ पे मेरे 2 किल कंप्लीट हो जाते हैं, ऊपर की साइड में एनिमीज है एंड एक शॉट इसको भी कनेक्ट किया 159 का, 4 किल मेरे कंप्लीट हो चुके हैं। अब यहाँ पे जो है ना मैं ये लगा रहा था यार अपना पोर्टल, इतनी देर के अंदर ऊपर से मुझे कोई बंदा जो है हेडशॉट लेके मार देता है, मतलब इतना मौका उसने मेरे को वॉल डालने का दिया, बट मैं वॉल ही नहीं डाल पाया। नेक्स्ट गेम के अंदर मेरा 8 का माइनस लग जाता, पता नहीं क्या चल रहा है मेरे साथ। अगली गेम के अंदर भी मैं सेम आर्सेनल के अंदर फूटता हूँ एंड मेरे साथ में भी एक एनिमी होता है, इस बंदे को मैंने पूरा फिनिश कर दिया। और अब जो है ना गाइस मैं थोड़ा कॉन्शियस होकर खेलता हूँ, मतलब रेकलेसली नहीं खेलता कि मतलब कहीं पे भी जा रहा हूँ कुछ भी कर रहा हूँ। यहाँ पे इस बंदे को मैंने इजीली हेडशॉट दे दिया। पीछे की साइड में एक एनिमी, तो पता नहीं कहाँ से डैमेज पड़ रहा था, पहले तो मैं थोड़ा देखता हूँ बट वो बंदा मुझे दिखता नहीं, तो दूसरे एनिमी को मैं देखता हूँ। इस एनिमी को हेडशॉट दे दिया, वो दिख गया मेरे को, वो रहा आर्सेनल के ऊपर चढ़ा हुआ है एंड यहाँ पे इसको हेडशॉट देके फिनिश कर दिया। 5 किल मेरे कंप्लीट हो चुके हैं इसी एरिया के अंदर। अब वहाँ से निकल के जो है मैं ब्लू जोन के अंदर आता हूँ, यहाँ पे भी एक बंदा दिख गया, पूरा का पूरा हेड दे दिया प्रशांत को और यहाँ पे 6 किल मेरे कंप्लीट हो चुके हैं। अब गाइज आप लोग देखो जैसे जैसे गेम बढ़ता जा रहे हैं यार यहाँ पे किल पे किल हो जा रहे हैं, मतलब बैक टू बैक किल निकल रहे हैं बट ओम नहीं मिलने का नाम ले रहा। अब इस वाले एरिया के अंदर मैं एक एनिमी से फाइट लेता हूँ और यहाँ पे मैं वॉल ही डलता मेरा, जिस वजह से मैं मर जाता हूँ। यार ना तो बोया लग रहा है ना ओम मिल रहा है, ओम की वजह से मैं मर जा रहा हूँ पूरी गेम में, मैं बिकॉज ओम ढूंढने के चक्कर में ही मर रहा हूँ। 3 लेवल का M10 और 3 लेवल का M4A1 लेके बहुत ही यहाँ पे मैं आराम से आ रहा था बट मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे एक एनिमी होगा जो कि मेरे से बचने का ट्राई कर रहा है। बट एक मोमेंट ऐसा आता है जब आप लोग यहाँ पे देखो, ये एनिमी मुझे थोड़ी देर के लिए ना शॉक कर देता अपने 2 MO मार के कट्टे की, सीरियसली यार 2 शॉट कनेक्ट करते मैं डर गया था और जैसे ही मेरे ऊपर रश मारने लगता है बट मैंने M10 की स्प्रे से मार दिया से, एक बारी को तो लग रहा था कि मर ही जाऊंगा यार। अब यहाँ पे जो मैं ड्रॉप चार्ज करने आ जाता हूँ क्योंकि यार मुझे ओम चाहिए, तो एक एनिमी भी दिख जाता है पीक के अंदर ही और इसको फिनिश तो मैंने कर दिया। बट यहाँ पे ना मेरे अगल बगल में गाड़ियाँ वगैरह बहुत सारी चल रही हैं और बंदों के फुटस्टेप आ रहे हैं। देखो एक अपना ये वुकोंग आया है, ये रश मार रहा होता है लेकिन फिनिश कर दिया। एक बंदा पीछे से गाड़ी चला रहा है, वो देखो बाइक, मतलब सीरियसली यार ये बंदे ओम ढूंढने ही नहीं दे रहे, चलाऊँ कैसे? पीछे में भी बंदा है देखता हूँ, यार यहाँ पे ओम ही नहीं मिला था। सो ओम जैसे नहीं मिलता मैं फटाफट से पीछे आता हूँ, यहाँ पे एक हिप हॉप दिखता है, इसको उड़ाने का ट्राई करता हूँ M40 लेके, बाप रे बाप। यहाँ पे मेरा पूरा M10 का स्प्रे मैंने कर दिया बट फिर भी नहीं मरा ये। एट द एंड एक गोली मारने के बाद शार्क को यहाँ पे 4 किल के साथ फिनिश कर दिया। सो मैं एक और यहाँ पे आता हूँ अपने आर्सेनल में, ऑफ फाइनली ओम मिल गया। अरे यार इतना ज़्यादा ओम ने तंग कर रखा ना मुझे, पूरी गेम में बस ओम ही ओम ढूंढता रहता हूँ। यहाँ पे बंदा एक शॉट कनेक्ट करते फिनिश और 6 किल कंप्लीट हो चुके हैं। अब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिल जाता है जब ओम मिल जाती है ना। यहाँ पे एक ओरायन वाला बंदा था और इस एनिमी के पास भी शायद से कुछ स्नाइपर वगैरह है मुझे लग तो रहा है। यहाँ पे मैं ना FGL से इसको थोड़ा सा डैमेज देता हूँ, थोड़ा सा क्या काफ़ी ज़्यादा डैमेज देता हूँ, बड़े वॉल खोल देता अपनी और पीछे की साइड में निकलने का ट्राई कर रहा है। बाप रे बाप एक शॉट कनेक्ट किया मैंने इसे, काफ़ी अच्छा खेल रहा है यार एनिमी। देखो आप लोग मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है इसको M10 से फिनिश करना पड़ेगा और M10 से मर गया ये बंदे का नाम ही था नॉट AWM।
सो कोई इशू नहीं है। पीछे की साइड में एक एनिमी है, काफी ऊपर से फाइट ले रहा है, 165 का डैमेज दिया। उसके बाद वो एनिमी मुझे दिखता ही नहीं है, तो मैं जो है ना आखिरी के कुछ बंदों को मारने आ जाता हूँ। एक बंदे को मैं गाड़ी से उड़ाता हूँ, एक शॉट कनेक्ट किया। अब दूसरा शॉट मुझे ओम से ही मारना था क्योंकि ओम का किल लेना है ना यार इस वजह से, तो ओम का शॉट कनेक्ट होने का नाम ही नहीं ले रहा। ओम का शॉट निकलने से पहले ही मैं वहाँ पे कर दे रहा हूँ स्विच, इजीली डाउन हो गया ये बंदा सोने दिमित्री वाला, और फिनिश भी कर दिया यहाँ पे इस बंदे को। अब आखिरी के ही दो बंदे बचे जिनमें से मैं एक को और मार देता हूँ, और आखिरी बंदा जो है लॉन्च पैड पकड़ के जो है जोन के अंदर आने का ट्राई कर रहा होता है, बट उसका यहाँ पे आना थोड़ा भारी पड़ चुका है। इसको आते ही मैंने 165 दे दिया, फटाफट रश मारूंगा। स्कालर की भी एबिलिटी यूज कर दी, बट बेचारा स्कालर से भी नहीं बच पा रहा। ऑल राइट, अब थोड़ा सा इसने अपने को पैक वगैरह कर लिया है, एक काम करते सीधा रशी मार देते हैं। बट यार मैं सोच रहा हूँ हम से ही मारूं, नहीं यार एक काम करते हैं M10 से ही मार दूं, कैसे ना कैसे करें मार दिया मैंने। 10 किल के साथ ये वाला गेम प्ले भी मेरा बहुत ही स्मूथली बोया निकलता है, जिसके अंदर यहाँ पे मेरा 30 का प्लस देखने को मिलता है, और अपनी AWM M10 के अंदर फुल का प्लस लगता है, यानी कि 80 का। अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं आप लोगों के साथ काफी सारे सोलो गेम्स खेल चुका हूं, जिस वजह से मैं अपने WhatsApp चैनल पे जाके जो है टीम कोड सेंड कर देता हूं, ताकि आप लोगों के साथ मैं डुओ गेम प्ले कर सकूं। अगर आपको मेरे साथ खेलना है तो आ जाओ फटाफट से WhatsApp चैनल पे, लिंक कमेंट बॉक्स पे मिल जाएगा। हम लोग डेली की डेली जो है अपने टीम कोड के साथ गेम प्ले करते रहते हैं। फर्स्ट डुओ गेम प्ले के अंदर आप लोग देखो यहाँ पे मेरे पास ओम है और MB40 है, और ओम सीरियसली बहुत ही मुश्किल से मिला है, और एक बंदे ने मुझे एक गोली का छोड़ा होता है, तो फटाफट से मैं हील वगैरह करके अपने आपको पीछे जाता हूं, और ये बंदा भागने का ट्राई कर होता है। सुमित को इजीली फिनिश करने के बाद 2 किल मेरे कंप्लीट हो जाते हैं। अब वहां से निकल के जो ना आखिरी के दो बंदे बचे हैं, एक शॉट कनेक्ट किया एक एनिमी को एंड एमपी से एंड में फिनिश किया। मेरे को जो है ना शायद से इसको यार ओम से ही मारना चाहिए था, बट कोई चक्कर नहीं है, आखिरी बंदा बचा है इसको ओम से मारने का ट्राई करेंगे। छोड़ो यार मैंने MP40 के स्प्रे से 4 किल कर दिए यहां पे। ये वाले गेम प्ले के अंदर मेरे 4 किल होते हैं ओनली, बट प्लस जो है पूरा फुल का लगता है, प्लस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 29 का लगता है, और ओम के अंदर सिर्फ 9 का प्लस लगता है क्योंकि ओम मिला ही एंड में था। एक एनिमी ने ना यहाँ पे अपने आपको पैक कर रखा होता है, एंटी लॉन्चर से मैंने इसकी वॉल वगैरह तोड़ दी और भूकंप बन जाता है, उसके बावजूद भी M10 के स्प्रे से फिनिश कर दिया। और इसका टीममेट आप लोग देखो कैसे जॉन सीना की तरह भागते हुए आ रहा है, बट इसको मैंने इजिली फिनिश कर दिया, M10 थी बंदे के पास। और यहाँ पे 5 किल मेरे कंप्लीट हो जाते हैं इन बंदों को मारने के बाद। एक ऊपर की साइड से एनिमी बहुत डैमेज दे रहा होता है, इसको फिनिश कर दिया, पूरा टीम ही वाइप आउट हो गया इसका, 7 किल कंप्लीट हो जाते हैं। अब गाइस वहाँ से ना हम लोग निकल के मिल वाली एरिया के अंदर आते हैं, एंड यहाँ पे मैं एक एनिमी को नॉक करता हूँ, उसका टीममेट उसके बगल में ही होता है तो वो उसको रिवाइव देने लगता है। अब जैसे ही मैं इन दोनों एनिमीज के ऊपर अकेला रश मारता हूँ तो ये एनिमीज अपने आपको जो है ना वो कर लेते हैं पैक, एंड मैं देखो आप लोग कितना दिमाग यूज़ कर रहा हूँ, ये बंदे ओरायन बन जाते हैं लेकिन फिर भी मेरे एक दोनों ही मर गए भाई नेड से। एक बारी को तो लग रहा था एक ही मरेगा लेकिन दोनों ही मर गए, अलग ही सीन था यहाँ पे, नेड काफ़ी परफेक्टली गए। आखिरी का एनिमी बचा है जो कि सामने है, और हेडशॉट मारते ही 10 किल के साथ ये वाला डुओ गेम प्ले भी बोया निकल जाता है हमारा। दो गेम हमारे बोया लगे हैं रेगुलरिटी के अंदर, तो 2 का स्ट्रीक लग जाएगा। यहाँ पे मेरा 32 का प्लस होता है और AWM मिलता ही नहीं, तो हमारा M10 के अंदर फुल का प्लस होता है। यहाँ पे जो है ना मैं टुक टुक वाला बना हुआ होता हूँ क्योंकि एनिमीज को मारना था, और उसी चीज़ का फायदा उठाते हुए मैं एक बंदे को FGL से नॉक भी कर देता हूँ, क्योंकि यार FGL के अंदर भी मैं सोच रहा हूँ थोड़ा प्लस वगैरह कर ले हम लोग, देखेंगे एंड के अंदर FGL के अंदर भी अगर मन करेगा तो इंडिया लगा लेंगे। सो यहाँ पे जो है मेरा टीममेट मर जाता है, आकाश नॉक हो जाता है, बट उसका मैं बदला लेते हुए इजीली हेडशॉट मार के एनिमी फिनिश कर देता हूँ। और आकाश को रिवाइव वगैरह देने के बाद आप लोग देखो यहाँ पे 11 किलो रखे मेरे पास, लेकिन हम लोग AWM की वजह से यहाँ पे ड्रॉप चार्ज कर रहे हैं। सीरियसली यार एंड मोमेंट पे AWM मिलता है, 11 किल कर रखे मैंने यहाँ पे। एक बंदा यहाँ पे भागने का ट्राई कर रहा है लॉन्च पैड से और भाग भी जाता है, और यार देखो मैं ओम का किल करने के चक्कर में मर रहा हूँ भाई। अब मेरे फिर से रिवाइव मेरे को देता है आकाश, मैं फिर से वहीं पे लैंड करता हूँ एंड फिर से आप लोग देखो नॉक हो गया। मतलब मेरे को समझ ही नहीं आ रहा मैं AWM के चक्कर में इतना गंदा मर रहा हूँ ना, मुझको ऐसा लग रहा है कि जब मेरे को AWM ना मिले तो मुझे यूज़ ही नहीं करनी चाहिए। सो यहाँ पे हमारा अच्छा खासा 11 किल के साथ बोया वाला गेम मिस हो गया, 20 का यहाँ पे प्लस लगता है और M10 के अंदर फुल का प्लस लगता है। अब मैंने और सक्षम ने ना अपने दिमाग की ऐसी तैसी कर ली AWM को ढूंढने के चक्कर में, और AWM मिलने का हमें नाम ही नहीं ले रही है, हम लोग हर एक एयर ड्रॉप में चले जाते हैं। एंड के अंदर यहाँ पे हैंगर के अपने ड्रॉप से हमें AWM मिलता है, मतलब दिमाग का दही बोलते हैं ना जिसे, वो हो चुका है। और 8 किलो रखे मेरे, आप लोग किल देख रहे हो। अब यहाँ पे मैं क्लॉक टावर में आता हूँ किल वगैरह करने के लिए, यहाँ पे 3-3 एनिमीज साथ में बैठे हुए हैं और बिल्कुल बॉट से एनिमीज हैं, लाइक बिलो एवरेज बंदे बोल सकते हो आप लोग। एक बंदा पीछे की साइड में, इसको एक शॉट कनेक्ट किया था पहले और एक शॉट और कनेक्ट करते इजीली नॉक कर दिया। यहाँ पे 10 किल कंप्लीट हो जाते हैं। अब आखिरी के 3 बंदे बचे हैं जो कि नीचे की साइड में, एक एनिमी को यहाँ पे हेड का एम लेके मैंने नॉक कर दिया आहत, और एक एनिमी और इसका टीममेट 165। फटाफट से रश मारूंगा, पहले FGL फेंक दूं। यार ये बंदा डैमेज दे रहा है, पीछे से भी डैमेज पड़ रहा है, बताओ। M10 से ही किल कर देते हैं क्योंकि ओम का ऑलरेडी किल हो गया है, और इजीली M10 के स्प्रे के साथ ये बंदा भी डाउन।
यहाँ पे 12 किल मेरे हो चुके हैं और आखिरी बंदा बचा है, और आखिरी बंदे को जो है ना मैं सोचता हूँ कि यार हेड से मारेंगे, और इजीली जैसे मैं नीचे की साइड में आता हूँ इसको हेडशॉट पड़ जाता है, और 13 किल के साथ ये वाला गेम प्ले हमारा बोया निकलता है। मतलब बैक टू बैक बोया लग रहे हैं तो मज़ा भी आ रहा है गेम खेलने में, जिसके अंदर हमारा 13 किल करने के बावजूद भी 32 का प्लस लगता है अपनी M10 और अपनी AW में फुल का प्लस होता है। यहाँ पे आप लोग देखो एक बारी और मैं वही नुबड़ापंती करने जा रहा हूँ, जैसे यहाँ पे आर्सेनल को चार्ज करने जा रहा हूँ वो भी पीक के अंदर, जबकि इतने कम बंदे अलाइव हैं। आप लोग देखो बस यहाँ पे यही तो मेरी मिस्टेक होती है यार, देखो मेरी पूरी वेस्ट वगैरह तोड़ दी एनिमी ने FGL मार के, और मैं फिर भी जो यहाँ पे अपनी ओम नहीं ढूंढ पाता हूँ। एक एनिमी और होती है, इस दीदी की स्किल ब्लॉक करता हूँ लेकिन ये दीदी मुझे मार देती है, और एंड के अंदर हमारा टीममेट लाइगर भी जो है बहुत ज़्यादा मल्टी डैमेज खाने के बाद मर जाता है। मतलब यार ओम पनौती लग रही है मुझे यहाँ पे, 10 का प्लस लगता है ओनली। सो गाइस हम लोगों ने काफ़ी सारे सोलो और डुओ गेम प्ले कर लिए हैं, तो मैं सोचता हूँ कि यार अब चलो सोलो और डुओ खेल लिया तो स्क्वाड को भी क्यों ही छोड़े, तो स्क्वाड का भी मैं एक टीम कोड सेंड कर देता हूँ अपने व्हाट्सएप चैनल पे, आ जाओ यार खेलना है तो फटाफट से। पहले तो मैं डुओ का सेंड करता हूँ बट फिर स्क्वाड कोड में कन्वर्ट कर देता हूँ। यहाँ पे हमारे सारे सब्सक्राइबर आ चुके हैं, चलो गेम खेल के देखते हैं कैसा गेम प्ले जाने वाला है। फर्स्ट स्क्वाड गेम के अंदर ही जो है ना सिर्फ हम दो ही टीममेट जो है ना आपस में एक दूसरे को कवर देते हुए खेल रहे हैं, बाकी मेरे दो टीममेट पीछे की साइड में, और यहाँ पे आर्सेनल के अंदर बंदे आते हैं लेकिन हम दोनों बंदों को फिनिश कर देते हैं। हालांकि आती तो पूरी स्क्वाड है बट फिर भी दो बंदों को हमने यहाँ पे मार दिया बहुत ही आराम से। एंड यहाँ पे आप लोग देखो मेरे 7 किल हो चुके हैं, क्योंकि गेम मैंने बीच में कट किया यार, क्योंकि बहुत बड़ा गेम बन जाता मतलब वीडियो, तो इस वजह से मैंने कट कर दिया। यहाँ पे इस एनिमी को मारने के बाद 8 किल मेरे कंप्लीट हो जाते हैं, और वहाँ से जस्ट हम निकल ही रहे होते हैं लेकिन हमारे यहाँ पे इंडियन भाई बोलते हैं कि भाई AWM फाइनली मिल चुका है, और सीरियसली पता नहीं कितनी मन्नतें मांगनी पड़ती है मुझे AWM को ढूंढने के लिए, कसम से यार। मतलब AWM नहीं मिलता भाई, मुझे तो नहीं मिलता स्क्वाड और डुओ के अंदर, सोलो के अंदर तो बहुत मिलता है। यहाँ पे एक एनिमी और मार दिया, एक बंदा पीछे की साइड में क्लॉक टावर के घर पे, M10 से पूरे स्प्रे देके उसको मैंने नॉक किया है, पूरा का पूरा स्प्रे। फटाफट से फिनिश करते हैं, इसके पास एंजेलिक पेंट है, एक बंदा और है पीछे की साइड में, ये बंदा ब्लू क्रिमिनल है। सो हमारे नीली चटनी भाई साहब है, और नीली चटनी को यहाँ पे मैंने नॉक कर दिया, एशियन कुछ करके नाम था इसका, हर्षा पता नहीं क्या नाम था, एशियन तन में। और एक बंदा ने यहाँ पे पोर्टल की हेल्प से इधर आता है, इसको मैंने फिर से नॉक मतलब फिनिश कर दिया। अब 12 किल हो चुके हैं, इसको पहले भी मारा था मैंने शायद। अब आखिरी के ही कुछ बंदे बचे हैं जो कि नीचे की साइड में था, एक एनिमी डाउन, दूसरा एनिमी भी एक गोली का है, ये भी डाउन, और यहाँ पे बस आखिरी का एनिमी बचा पूरी गेम का, जो कि मेरे अकॉर्डिंग पीछे की साइड में होगा क्योंकि ऊपर कोई बंदा नहीं था। एंड ये बंदा यहाँ पे निकलता है और फिनिश हो गया। यहाँ पे 15 किल के साथ हमारा फर्स्ट डुओ स्क्वाड गेम प्ले भी बोया निकलता है, डुओ बोल रहा था, स्क्वाड गेम प्ले भी बोया निकलता है, जिसके अंदर हमारा 15 किल करने के बावजूद भी 30 का प्लस लगता है ओनली, और AWM और सारी की सारी गन में फुल का ही प्लस होता है। सो यहाँ पे मैं सोचता हूँ कि यार एक स्क्वाड गेम प्ले और कर लिया जाए, जो कि सबसे बड़ी गलती होती है मेरी। यहाँ पे मेरा आखिरी टीममेट भी मर चुका है, मतलब मैं और अयान ही बचे हैं सिर्फ, एंड मैं इन सब चीज़ों के ऊपर ध्यान ही नहीं देता, मेरे को लगता है मेरी पूरी स्क्वाड जिंदा है। एक एनिमी और आ गया ट्रोगन वाला, अब जस्ट ये एनिमी ना डाउन हो जाता है अपने आप ही, तो मैं इसको फटाफट से फिनिश कर देता हूँ। और देखो मेरा आखिरी बंदा भी मर गया, अब मुझे समझ आता कि भाई सबके सब मर चुके हैं, मैं अकेला बंदा बचा हूँ, और इस सिचुएशन में मैं बहुत ज़्यादा घबरा चुका हूँ क्योंकि सबके सब बंदे मेरे ऊपर रश मार रहे हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पे वुकांग बन के जो है पीछे जाता हूँ, लेकिन एनिमी मुझे जो है नेड से मार देता है। घंघोर बेइज्जती भाई साहब, ये पूरी की पूरी स्क्वाड जिंदा थी, स्क्वाड आई कहाँ से, इस स्क्वाड ने थर्ड पार्टी कर दी हमारी बहुत ही गंदी वाली। मतलब सीरियसली यार फाइट गिनती से ले रहे थे, यहाँ पे 28 का माइनस लगा के चले गए ये लोग एंड में। चलो छोड़ो यार माइनस को तो मैं रिकवर कर लूंगा कैसे ना कैसे करके, बट आप लोगों से मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा, चैनल को जो है प्लीज सब्सक्राइब कर देना यार, और बेल आइकन को भी ऑल पे सेट जरूर कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अब अगली वीडियो के अंदर, आप लोग मुझे बताना कि अगला कौन सा टॉपिक आप देखना चाहोगे, एपिसोड का वीडियो या कोई टिप्स एंड ट्रिक्स का वीडियो। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस। सो अगर आप लोगों को भी फ्री फायर खेल करके फ्री फायर से ही पैसा कमाना है तो आप लोग जो है मेरी इस वाली वीडियो को चेक चेकआउट कर सकते हो, जिसके अंदर मैं जो आपको गेम खेल के पैसा अर्न करना सिखा रहा हूं। मैं मिलता हूं आपसे इस वीडियो के अंदर, बिल्कुल ट्रस्टेड वीडियो है, जाके चेकआउट जरूर करना। मिलता हूं इस वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।